स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद रांची रेलवे स्टेशन की चमक धमक और व्यवस्थाओं से तो सभी वाकिफ है, लेकिन उसके सहायक स्टेशन हटिया स्टेशन की व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। राजधानी रांची को पूरे देश से जोड़ने वाली ट्रेनों में अक्सर आपने हटिया का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन इस परिसर में अव्यवस्थाओं का अंबार है। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग कुर्सी नहीं मिलने पर जमीन पर ही सो रहे हैं, कोई जमीन पर रखकर खाना खा रहा है। व्यवस्था मुकम्मल करने के नाम पर शौचालय से लेकर पानी तक के पैसे वसूले जाते हैं। कि वो व्यवस्था नहीं है इसलिए बैठा हुआ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चेयर होनी चाहिए, चेयर तो खरीद के पीना पड़ता है। व्यवस्था रेलवे की तरफ से होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या करें, थोड़ा खाना खाए सुस्त लग रहा था, थोड़ा सा लेट लेते समेट आराम लगेगा, यही बात है। भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन के रांची डिवीजन के अंतर्गत आने वाले हटिया स्टेशन भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों को जोड़ता है। पिछले दिनों यात्रियों की संख्या बढ़ी, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो भी तब जब यार्ड समेत मरम्मत संबंधी विभाग, कार्मिक विभाग के साथ साथ प्रशासनिक भवन भी इसी स्टेशन परिसर में स्थित है। मिनिमम पैसेंजर एमिनिटीज के जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर सारी सुविधाओं को बढ़ाया जाता है। और जो हमारे चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि अभी हटिया स्टेशन पे भी हमारा लगा हुआ है, जो वाटर बूथ लगे हुए हैं वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिए जाते हैं। हटिया में भी लगा हुआ है, रांची में भी लगा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं तो लगते हैं। तो और हमारी हमेशा ही कोशिश रहती है कि समय समय पर उसका हटिया स्टेशन का इंस्पेक्शन करके वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें हमेशा बढ़ोतरी की जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसके लिए हम लोग हमेशा ही कटिबद्ध रहते हैं। राजधानी का हटिया स्टेशन खुद में विशेष है। प्रस्तावित राजधानी का करीबी स्टेशन होने के साथ साथ हजारों की संख्या में यात्री यहीं से सफर शुरू करते हैं। जरूरत है राजधानी रांची के स्टेशन की तरह इसे भी सजाया और संवारा जाए। रांची से सहयोगी नवल के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट।